आज गुजरात को क्या सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों बढ़ाई गई शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा? गोवा से बीजेपी के लिए क्या खुशखबरी आई है? आप देखिए न्यूज टॉप नाइन राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी विकास की कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 10 करोड़ लीटर क्षमता वाले वाटर प्लांट के साथ हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए 8 लाख से ज्यादा लोगों के लिए पानी की सप्लाई होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राज्य के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमले के बाद केंद्र सरकार ने कैलाश विजयवर्गीय की सुरक्षा बढ़ा दी है। कैलाश विजयवर्गीय को अब बुलेट प्रूफ कार भी दी गई है। उन्हें पहले से जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर रहे मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी है। शुभेंदु को जेट कैटेगरी की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ कार दी गई है। शुभेंदु जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि 19 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच आर पार की लड़ाई चल रही है। बीजेपी नेता शांतनु बसु ने दक्षिणी दिनाजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार बनने के बाद अगर बीजेपी कार्यकर्ता को कोई मारेगा तो मारने वाला भी रोड हादसे में मारा जाएगा, जैसे यूपी और बिहार में होता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी में विरोध की आवाज तेज होने लगी है। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल में बिना घूस और भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। उन्होंने अपनी ही सरकार पर विकास के कार्यों को रोकने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के बीच 17 दिसंबर को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा कोरोना महामारी समेत दूसरे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। हैदराबाद के निकाय चुनाव में भारी सफलता के बाद बीजेपी को गोवा के जिला पंचायत चुनाव में बड़ी जीत मिली है। जिला पंचायत की 49 सीटों में से बीजेपी ने 32 सीटों पर कब्जा किया है। कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली है। हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान पंचायत चुनाव में शानदार जीत हासिल की थी। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स में 5000 नर्स अचानक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नर्स यूनियन ने कहा, कोरोना काल से पहले उनके वेतन बढ़ोतरी समेत 23 मांगों को मानने का भरोसा मिला था, लेकिन अब सरकार अपने वादे से मुकर रही है। एम्स के डायरेक्टर ने नर्सों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ने लगी है। लद्दाख में भारी बर्फबारी हुई है जिससे तापमान काफी नीचे गिर गया है। अगले 4 दिनों में 8 राज्यों में 3 से 5 डिग्री पारा लुढ़केगा। दिल्ली बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों में कोहरे से मुश्किल बढ़ सकती है।